हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है 1600 मीटर में लेग वर्कआउट क्या करें। दोस्तों, आप आर्मी की तैयारी करते हो, आप अग्निवीर की तैयारी करते हो, हर एक बंदा अभी प्रैक्टिस कर रहा है, 1600 मीटर की तैयारी कर रहा है, और उसमें दोस्तों उनके पैर थक रहे हैं, पैरों में स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके पैर जल्दी थक रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों आज हम कुछ लेग वर्कआउट करेंगे और ऐसे 3 एक्सरसाइज करेंगे। उस 3 एक्सरसाइज को दोस्तों अगर आप अच्छे से करते हो, आपका स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगा और आपके पैर बिल्कुल नहीं थकेंगे। अगर आपके हमेशा आप पैर थकते हैं, हर रोज़ आप ग्राउंड पर आ जाते हो और आपके पैर थकते हैं, जब आप 1600 मीटर लगाते हो तब दोस्तों आपके पैर बहुत थक जाते हैं, पैरों में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और आपके पैर बिल्कुल ना थकने के लिए हम आज कुछ ऐसे 3 एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अच्छे एक्सरसाइज करेंगे। उस 3 एक्सरसाइज को सिर्फ आपको करना है। तो उन एक्सरसाइज को किस तरह से करना है, कैसे करना है, हम अच्छे से जानेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन 3 एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ग्राउंड पर आ जाने के बाद लाइटली सबसे पहले स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद आपको 10 या 15 मिनट जॉगिंग करना है, फिर हम थोड़ा सा वार्म एक्सरसाइज करेंगे और फिर आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। क्योंकि इस वार्म एक्सरसाइज को करना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपको इंजरी बिल्कुल नहीं होती, आपकी बॉडी एक अच्छा वर्कआउट करने के लिए तैयार होती है। इसलिए आपको ये सभी वार्म एक्सरसाइज लाइटली स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम अच्छे से वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट कैसे करना है, किस तरह से करना है, चलो अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से आपको बिंत पर इस तरह से आपको दोनों हाथों को रखना है और आपको हाई नी एक्सरसाइज करना है और आपको टो को इस तरह से दोस्तों आपको टो पर सिर्फ करना है और आपका जो घुटना है उसको चेस्ट पर उठाना है। और आप दोस्तों कहाँ पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और हर एक एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने हैं और हर एक एक्सरसाइज आपको 20 सेकंड करना है। एक्सरसाइज का एक सेट होने के बाद आपको 30 सेकंड रेस्ट लेना है। इस एक्सरसाइज से दोस्तों आपके पैरों में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके पैर बिल्कुल नहीं थकते। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यहाँ पर बॉक्स जंप लगाएंगे। आपको दोनों हाथों को इस तरह जर्क लेना है और दोनों पैरों को आपको इस तरह से होल्ड रखना है, 90 डिग्री में होल्ड रखना है। ये दोस्तों स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 1600 मीटर में अगर आपको पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ये सभी एक्सरसाइज जो मैंने अभी 3 एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। और आपको इस तरह से 10 या 12 रेपिटेशन लगाने हैं और इसके भी आपको 3 सेट करने हैं। इससे आपके थाई मसल में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपके पैर बिल्कुल नहीं थकते। ये तीनों एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, आपको इसको बहुत अच्छे से करना है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बढ़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक पैर को ऊपर रखने के बाद दूसरे पैर को ऊपर उठाना है, ऐसे आपको अल्टरनेट करना है। ये दोस्तों बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, ये सभी एक्सरसाइज आपको अच्छे से करना है और इसके भी आपको एक लेग के 8 या 10 रेपिटेशन लगाने हैं और ऐसे आपको दोनों पैरों को रेपिटेशन लगाने हैं और इसके भी आपको 2 या 3 सेट कर सकते हैं। और हफ्ते में दोस्तों 2 या 3 बार आप इस वर्कआउट को जरूर करें, ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप 1600 मीटर करते हो तो आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से एक्सरसाइज करना, ये जो हमने अभी 3 एक्सरसाइज आपको बताए, ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे आपके लेग में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप 1600 मीटर बहुत अच्छी तरह से भागोगे और आपके पैर बिल्कुल नहीं थकेंगे। ये सभी एक्सरसाइज आप बहुत अच्छी तरह से करना और हर एक एक्सरसाइज के 2 या 3 सेट लगाना अच्छे से। वीक में 2 या 3 बार इस वर्कआउट कर सकते हो, आपके लेग बिल्कुल नहीं थकेंगे और आप 1600 मीटर में बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज लगा पाओगे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहना, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।